एक मिनट थामा। गाड़ी चालवायची आहे तर आपल्याला आपण क्लच न्यूट्रल करायचं, तर न्यूट्रल केल्यानंतर आपण गाडी परत चालू करायची, चालू केल्यानंतर परत आपल्याला पहिला गिअर घ्यायचा, पहिला गिअर घेतल्यानंतर गाडी थोडी अशी हळू गेली तर व्यवस्थित चालेल। जर तुम्हाला जर मागे घ्यायची असेल गाडी रेडी हजारों लोगों का रोजगार चले जाने से भुखमरी के हालत हो गए थे। ऐसे में हिम्मत ना हारते हुए थाने की महिला रिक्शा चालक अनामिका भालेराव ने मन में दृढ़ निश्चय करते हुए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें इस काम में यश मिला और घर में अच्छे पैसे आने लगे तो उन्होंने अन्य महिलाओं को आगे लाने का संकल्प किया। पिछले कुछ समय में उन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा महिलाओं को रिक्शा चलाने का मुफ्त प्रशिक्षण दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और अगर महिलाओं को अबला से सबला बनाना है तो उन्हें निर्भय होकर काम करना पड़ेगा, ऐसी बात उन्होंने कही है। अभी मैं रिक्शा चला रही हूँ लेकिन मुझे अनामिका बालेराव ने जब प्रशिक्षण दिया तभी मैं रिक्शा चला रही हूँ। अभी ये रिक्शा चलाती हूँ तो हमारे घर में बहुत अच्छा चल रहा है और जैसे मैं स्वतंत्र हुई हूँ वैसे हर महिला को अपने पैर पर खड़ा रहना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि वो भी रिक्शा चला सकती है, दो पैसा कमा सकती है, ऐसा मेरा दे। नमस्ते, मैं अनामिका भालेराव। मेरा मन में तो एक ऐसा सिचुएशन आ गई कि मैं एक रिक्शा चालक हूँ क्योंकि मैं गाड़ी चलाती हूँ, रिक्शा चलाती है क्योंकि मेरा घर में जो पोजिशन थी
वैसे ही दूसरा जो औरत लोग है उसके घर में वही वही पोजीशन है, क्योंकि मैं गाड़ी चलाने को दो बहुत लोगों को सिखाया, सौ के ऊपर है मैंने गाड़ी चलाने को सिखाया, पर वो ये कोरोना के काल में तो बहुत औरत लोग को तो घर में बैठी थी, किसी का जो काम पे जाती थी उसका आदमी भी घर में है, वो भी घर में है उसका, मैंने तो सोचा था कि उसको भी मैं सिखा सकती, वो जो कोई भी औरत लोग आएगी तो उसको मैं सिखाएगी, तो बहुत औरत लोग मेरे पास आ गई कोरोना के बाद में, तो उसको तो मैंने मैं सिखा लिया, क्योंकि मेरा मन में तो ऐसा ध्येय था कि मैं मेरी जैसी परिस्थिति थी अवस्था थी वैसी उनको भी, क्योंकि मैं जैसी मेरे पैर में खड़ी हूँ वैसा भी उसने खड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा मन में का जो ध्येय था तो वो मैंने पूरा किया। हाँ उसको तो बहुत जैसा मुझे वो स्वतंत्र मिल गया, मैं मेरा खुद की मेरी खुद की गाड़ी, उसको भी उसने भी ले लिया गाड़ी, वो खुद के पैर में वो खड़ी हो गई, घर का भी खर्च चला रही है, वैसा ही मेरा जो स्वप्न था तो मैंने तो किया है, और दूसरा औरत लोग भी खुद का गाड़ी चला के उसने भी चालू किया है।